हेलो बेटा, आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने 7.2 तक बेटा पूरा सॉल्व कर चुका है। तो इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे हम। तो सो फार हमने क्या क्या पढ़ा एरिया ऑफ ट्रेंगल में बेटा। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेंगल का क्या फार्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बेटा हमारा। तो अब क्या जो नेक्स्ट है बेटा हमारा, वो है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है हमारा बेटा? हेरोन्स फार्मूला होता है हमारा, क्या कहते हैं, हेरोन्स फार्मूला ये हमारा होता है बेटा एरिया ऑफ ए ट्रेंगल इसकल टू बेटा अंडर रूट यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है बेटा। वेयर जहाँ पे यस हमारा क्या है, वेयर यस इसकल टू हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होता है बेटा हमारा। ये हमारा क्या कहते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेंगल का फार्मूला बेटा। और ये हमारा हेरोन्स फार्मूला है। हेरोन्स फार्मूला में हमारा क्या होता है, ट्रेंगल क्या कहते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेंगल अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। और हमारा यस क्या है यहाँ पे, यस हमारा क्या होता है, यस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। मतलब जैसे कोई ट्रेंगल उसके ए बी पॉइंट्स हैं बेटा, वही यहाँ पे होगा। तो चलो हम पहले बताते हैं, अगर कभी भी बेटा एरिया ऑफ ए ट्रेंगल चाहिए और क्या कहते हैं ट्रेंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हों, तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ए ट्रेंगल का सीधा फार्मूला है बेटा। जैसे क्या कहते हैं, हमारा ये ट्रेंगल दिया गया है, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेंगल है बेटा, इसके जो पॉइंट हैं ये हमारे जैसे ए पॉइंट हो गए और ये बी पॉइंट हो गए, ए सी पॉइंट हो गए। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, ये एक्स वन हो गए, ये वाई वन, ए एक्स टू वाई टू, और ये हमारा सी हो गया एक्स थ्री वाई थ्री। तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या है बेटा हमारा, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी इसका फार्मूला देखो हम ऐसे लिख लेंगे। पहले वन अपान टू, ये मॉडुलस, यहाँ पे बेटा मॉडुलस लगता है, मॉडुलस एक्स वाई माइनस वाई, फिर यक्स, फिर वाई माइनस वाई, फिर प्लस सी एक्स, फिर वाई माइनस वाई, ब्रेकेट वन मॉडल। तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये तो हो गया, यहाँ पे दिस इज अ एरिया ऑफ ए ट्रेंगल का फार्मूला। इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, जैसे हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया और ये थ्री, इसे हम वन टू थ्री इसी फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं बेटा। तब हम यहाँ पे जैसे यक्स वाई लिख लिए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यक्स का वन कर देंगे, फिर यक्स वन के बाद क्या है टू है, तो यहाँ पे हम टू कर देंगे, टू के बाद हमारा थ्री है तो यहाँ पे हम थ्री कर देंगे, फिर थ्री के बाद क्या है बेटा, क्या कहते हैं, फिर ये हमारा यक्स वन हो गया तो यहाँ पे हमारा यक्स टू हो जाएगा, यक्स टू के बाद हमारा क्या आएगा यक्स थ्री, तो यहाँ वाई थ्री कर देंगे और फिर थ्री के बाद हमारा बेटा वन है तो यहाँ पे वन कर देंगे। अब यहाँ हमारा वन टू थ्री, यहाँ एक्स थ्री हो जाएगा बेटा, तो थ्री के बाद हमारा क्या आता है वन आता है, तो वन हो जाएगा और फिर वन के बाद टू। यहाँ पे बेटा कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो पता चले आप लोग अगर आगे पीछे कर देंगे यहाँ पे जैसे वाई थ्री माइनस वाई वन, तो आपका जो आंसर आएगा वो मैच नहीं करेगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, दिस इज अ एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसी बेस पे हम बेटा क्या कहते हैं एक क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग को ये फार्मूला अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम पहले देखेंगे क्या कहते हैं, जो आपके बुक में एग्जांपल दिया गया एग्जांपल 11, वो सेम इसी क्वेश्चन पे, इसी क्या कहते हैं फार्मूले पे बेस है बेटा। तो हम चलो एग्जांपल 11 देखते हैं। तो बेटा हमारा एग्जाम्पल 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर -1, -1, -4, -6 एंड -3, -5। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं ट्रेंगल के वर्टिस दिए गए हैं बेटा, ये हमारा कोई ट्रेंगल हो गया जिसके हमें वर्टिस दिए गए हैं। ये हमारा ए पॉइंट मान लेते हैं हम इसको 1, -1, यहाँ पे बी पॉइंट
माइनस फोर कॉमा सिक्स, और यहाँ पे सी पॉइंट हमारा माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव। ये तीन पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ए ट्रेंगल फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल। तो अभी हम आपको फार्मूला क्या बताए एरिया ऑफ द ट्रेंगल का, क्या बताए थे बेटा? पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आपको लगाने में ज़्यादा परेशानी होगी। एरिया ऑफ ट्रेंगल इजकल टू ए बी सी, ए बी सी इजकल टू हाफ मॉडुलस एक्स वन ब्रेकट में वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू फिर ब्रेकट में वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री ब्रेकट में वाई वन माइनस वाई टू। ये हमारा यहाँ पे मॉडुलस। बेटा आप मॉडुलस लगाना मत भूलिएगा, अगर आप मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर निगेटिव आ सकता है। अगर हमारा क्या कहते हैं मॉडुलस हम इसलिए लगाते हैं बेटा कि अगर कोई भी क्वांटिटी हमें यहाँ मिल रही है तो हमें वो प्लस में मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम मॉडुलस लगाते हैं। पहले हम देखते हैं बेटा हमारा ये एक्स वन हो जाएगा, ये वाई वन हो जाएगा, ये एक्स टू, ये वाई टू, ये एक्स थ्री और ये वाई थ्री हो जाएगा बेटा। तो हम ये क्या कहते हैं वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ एक्स वन हमारा क्या है बेटा वन है, वन फिर वाई टू क्या है बेटा हमारा क्या दिया गया है माइनस फाइव, माइनस फाइव हो गया बेटा। फिर प्लस एक्स टू हमारा क्या है बेटा एक्स टू दिया गया है माइनस फोर, माइनस फोर ब्रेकेट में वाई थ्री, वाई थ्री हमारा कितना है माइनस फाइव, फिर माइनस वाई वन हमारा क्या है माइनस वन है तो माइनस वन हो गया बेटा। फिर यहाँ पे प्लस एक्स थ्री हमारा कितना है बेटा माइनस थ्री दिया गया है, फिर वाई वन हमें क्या मिला है यहाँ पे बेटा माइनस वन है, और वाई टू हमारा कितना है माइनस सिक्स मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन अपान टू फिर ब्रेकेट में वन मॉडुलस वन फिर सिक्स, ये माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है यहाँ पे हमारा प्लस माइनस माइनस फोर ब्रेकेट में हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा बेटा हमारा, फिर यहाँ पे माइनस थ्री ब्रेकेट में माइनस माइनस प्लस सेवन हो जाएगा हमारा, माइनस सेवन हो गया बेटा मॉडुलस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा वन हाफ हाफ वन ब्रेकेट में इंटू सिक्स, और हम फाइव को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इलेवन, इलेवन माइनस फोर इंटू यहाँ पे हमारा फोर हो जाएगा, क्योंकि माइनस फाइव और प्लस वन है तो यहाँ पे हमारा माइनस फोर हो जाएगा बेटा। फिर यहाँ पे माइनस थ्री इंटू थ्री इंटू माइनस सेवन है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, इलेवन को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से क्या हो जाएगा इलेवन, फिर माइनस माइनस हमारा बेटा प्लस, फोर फोर जा सिक्सटीन, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस सेवन क्या कहते हैं सेवन टू जा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा बेटा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन आ गया बेटा हमारा। तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो हाफ इंटू ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा फोर्टी एट, फोर्टी एट आ गया। अब बेटा हम क्या कहते हैं यहाँ से मॉडुलस हटा रहे हैं तो यहाँ हमारा जो हो गया हाफ इंटू फोर्टी एट, तो टू से हमारा डिवाइड हो जाएगा, फोर टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे ट्वेंटी फोर। ए बी सी डी का हमें जो वैल्यू मिले क्या ट्वेंटी फोर स्क्वायर यूनिट्स, इसको हम बेटा स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। अगर एग्जाम्पल क्या कहते हैं एग्जाम में बेटा स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत मान लिया जाएगा, तो इसको लिखना आप लोग मत भूलिएगा। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल इलेवन। ये जो मॉडुलस होता है बेटा किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव करके देता है, अगर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न है कि एरिया कभी भी निगेटिव हमारा बेटा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस हमारा हमेशा क्या कहते हैं निगेटिव को हटाने का काम करता है। यहाँ पे बेटा हम एक नोट लिखेंगे, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट है ये क्या है कि जैसे अगर हमें कोई क्या कहते हैं मॉडुलस दिया गया है, आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे हमें यहाँ पे सिक्स दिया गया है तो इसका मॉडुलस क्या होगा सिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस सिक्स दिया गया है और मॉडुलस क्या कहते हैं माइनस सिक्स, तो इसकी जो क्या कहते हैं हमें मॉडुलस अगर हटाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सिक्स ही मिलेगी, वो पॉजिटिव सिक्स हो जाएगी हमारी। तो यहाँ क्या होगा जो मॉडुलस होता है मॉडुलस गिवन पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉडुलस गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी क्वांटिटी आर ए कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव
निगेटिव दैट इज व्हाई वी यूज मॉडुलस। तो बेटा अगर क्या कहते हैं जो सेकेंड पॉइंट है, अगर सेकेंड पॉइंट इसमें ये हमारा जैसे फर्स्ट हो गया, अब इसमें जो सेकेंड होता है, अगर जैसे बेटा कभी दिया गया है कि मॉडुलस सी एक्स इक्वल टू फाइव, तो यहाँ पे अगर हम मॉडुलस हटा देंगे तो क्या कहते हैं जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर मॉडुलस अगर हटा देंगे तो यहाँ पर हमें एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस माइनस फाइव। हम क्या कहते हैं अगर आंसर में ऐसा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें ऐसा मिला तो एक बार हम क्या कहते हैं पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा, थर्ड पॉइंट इसी में थर्ड पॉइंट जो है बेटा हमारा, जैसे क्या कहते हैं अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है बेटा, तीन पॉइंट है जैसे कोई कोलिनियर है, यहाँ जैसे ये हमारे पॉइंट हो गए, ये ए ए पॉइंट हो गए और ये बी पॉइंट हो गए, ए सी पॉइंट हो गए, ये हमारा यक्स वन वाई वन है और वाई टू है और ये यक्स थ्री वाई थ्री है, ये हमारे बेटा कोलिनियर हैं। तो अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रेंगल बिल भी ज़ीरो हो जाएगा बेटा, जो एरिया ऑफ ट्रेंगल होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे लिखेंगे इफ़ एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा हमारा अगर वो कोलिनियर है। तो लिखेंगे जैसे हमारा हो गया यक्स वन वाई वन, यक्स टू वाई टू एंड यक्स थ्री वाई थ्री आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे बेटा जैसे ये हमारा पॉइंट है इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, यहाँ जो हमारा ए बी सी है बेटा हमारा ये कोलिनियर है। तो इसका जो क्या कहते हैं वो होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इफ़ देन एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा ज़ीरो है। ये बेटा जो तीन पॉइंट हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बुक में। अब हम क्या कहते हैं बेटा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 13 है।